नमस्कार दोस्तों, सावन सुचित्रा बिजनेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, यदि आप नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हो, आप कंपटीशन को किल कर दोगे। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, यदि आपका कोई ऐसा माइंड बना है कि मुझे एक रील्स देखना है, फनी वीडियो देखना है, आपने पेंडिंग में रखा है, चाहिए पहले वो फनी वीडियो देख के आइए, पहले वो रील्स स्क्रॉल करके आइए, बाद में इस वीडियो को एंड तक देखिए। क्योंकि यदि आपको एक्चुअल में सही मायने में अपना सब कुछ रिस्क पे लगा के बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरू करोगे तो आपको दोस्तों ये वीडियो इतना नॉलेज दे देगा कि जितना आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं सभी वीडियो में बात नहीं कर रहा कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, मैं खास करके इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, कोई भी यदि आप नया बिजनेस शुरू करोगे, स्टार्टअप शुरू करोगे, आपका यहाँ पे कॉम्पिटिटर होगा। आप एक कैफे का बिजनेस शुरू करोगे, आप यहाँ पे क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू करोगे, आप छोटे शहर में शुरू करोगे, बड़े शहर में शुरू करोगे, आपके कॉम्पिटिटर होंगे, अच्छे खासे कॉम्पिटिटर होंगे जो कि यहाँ पे तगड़ा बिजनेस बना के बैठे, ऑलरेडी कस्टमर लेके बैठे हैं। अब आप उनसे कैसे कम्पीट करोगे? आप उनसे दोस्तों कम्पीट करोगे मार्केटिंग के थ्रू। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज देता हूँ, मुझे आंसर दीजिए। मान के चलिए आपने यहाँ पे एक स्टार्टअप शुरू किया, रेस्टोरेंट का स्टार्टअप है, या फिर यहाँ पे आपने स्टार्टअप शुरू किया कि आप किसी एक जगह पे क्लाउड किचन टाइप स्टार्टअप शुरू किया कि आप फूड बनाओगे और फूड बनाने के बाद आप ऑनलाइन लोगों के घर जाके यहाँ पे डिलीवरी कर दोगे, यानी कि आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट का कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, आप सिर्फ एक क्लाउड किचन लोगे, वहाँ पे फूड फास्ट फूड बनाओगे और डायरेक्ट लोगों के घर पे आप डिलीवरी कर दोगे। चलिए मुझे बताइए कि आप टायर 3 सिटी में रह रहे हो, आप कौन सी मार्केटिंग करोगे? सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ दोस्तों। आपको रेस्टोरेंट के लिए मार्केटिंग करनी है या फिर यहाँ पे क्लाउड किचन ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मार्केटिंग करनी है, आप कौन सी मार्केटिंग चूज करोगे मुझे बताइए। 5 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लीजिए आपने दोस्तों। यहाँ पे मुझे पता कि आपके माइंड में क्या होगा, आपके माइंड में दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग आएगी कि इंस्टाग्राम पर एड चला लीजिए, यूट्यूब पे एड चला लीजिए, फेसबुक पे टारगेट मार्केटिंग कर लीजिए, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आइडिया होगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक्चुअल में कैसे मार्केटिंग में हम यहाँ पे अच्छे खासे कंपटीटर को किल कर सकते हैं मार्केटिंग का यूज करके। मैं दोस्तों जो भी ये वीडियो बनाता हूँ ना, जैसे कि मैंने आज ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, मैं एक्चुअल में जो नए स्टार्टअप बिजनेस शुरू करते हैं ना, उनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ, देखता हूँ वे क्या गलती कर रहे हैं, वे क्या सही कर रहे हैं, कि वे यहाँ पे जैसे कि दो नए स्टार्टअप शुरू हुए मेरे आसपास यदि कैफे का, तो दोनों के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, रिसर्च करता हूँ, घूमता हूँ, कुछ भी ना कुछ करके उनकी स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप जब कभी भी घूमते हो, गेड़ी लगाने तो जाते होगे ना, संडे को सैटरडे को घूमते टाइम यदि आपने नोटिस किया होगा तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रहा होगा पता है? जब कभी भी डोमिनोज का बॉय जाता है ना, तब आपको दिखाई दे रहा है कि डोमिनोज की एक बाइक है, डोमिनोज लिखा हुआ है। जब कभी भी स्विगी का कोई डिलीवरी बॉय जा रहा हो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्विगी, आपकी नजर जाएगी, जितने भी ट्रैफिक है रोड पे जा रहे हो तो आपका स्विगी बॉय पे नजर जाएगा, डोमिनोज वाला है तो आपका नजर जाएगा, जोमेटो वाला है तो आपका खास करके नजर जाएगा कि रेड कलर का जोमेटो पहन के जा रहा है, लैपिनोज पिज्जा वाला है तो जाएगा, जितने भी ये बड़े बड़े या फिर छोटे भी फूड वाले हो गए तो आपका एक बिल्कुल अट्रैक्शन जाएगा कि यार ये फूड डिलीवरी कर रहा है, आपका ध्यान गया कि नहीं गया, आपका ध्यान गया, आपका अटेंशन गया। आज के वर्ल्ड में दोस्तों किसी भी चीज का यहाँ पे अटेंशन लेना, लोगों को यहाँ पे अटेंशन किसी भी एक चीज पे करवाना ही सबसे बड़ी और सबसे यहाँ पे बेहतरीन मार्केटिंग है, लोगों का ध्यान जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये दोस्तों एक्चुअल में न्यू वेव ऑफ जुगाड़ू मार्केटिंग। मान के चलिए आपने, देखिए दोस्तों आप यदि कैफे का भी बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, इनके बारे में तो मैं तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अभी आगे ही देने वाला हूँ, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। रेस्टोरेंट या फिर यदि आप क्लाउड किचन ऑनलाइन किसी को भी फूड डिलीवरी घर पे कराना चाहते हो, घर पे देना चाहते हो, फेसबुक मार्केटिंग इंस्टाग्राम मार्केटिंग दोस्तों सभी लोग करते हैं, लेकिन नया जो ट्रेंड के हिसाब से करेगा कुछ यहाँ पे एक्चुअल में सही मार्केटिंग करेगा, वे यहाँ पे कंपटीशन में आगे बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है यदि आप होते तो क्या करते? देखिए स्टार्टिंग में पैसा लगाना है, कहाँ लगाओगे? सैटरडे और संडे को। मान के चलिए आपने कहीं पे भी रेस्टोरेंट ओपन किया या फिर आपने क्लाउड किचन ओपन किया, सैटरडे संडे को दोस्तों आपका जो टारगेट कस्टमर का एरिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन ओपन किया है तो यहाँ से जो 10 किलोमीटर का क्राइटेरिया है मेरा सबसे हॉट एरिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हो सकता है, सबसे ज़्यादा मेरी फूड प्रोडक्ट बाय हो सकती है, लोग खाने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, एवरी सैटरडे संडे को आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म कोड आपका, जैसे कि आपने पांडा बांडा, ठीक है, पांडा बांडा ऐसा आपने नाम रखा, कोई कैची नाम रखा, मैं कुछ भी नाम ले रहा हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसे लोग हायर करने, बेरोजगार बहुत सारे पड़े, 500 रुपये देने हैं, उन्हें एक बाइक दे देनी है, आपको एक यूनिफॉर्म ऐसा रेडी करना है पांडा मांडा जो डिलीवरी करने के लिए जा रहा है आपको। दोस्तों यदि आपने ऐसे 100 बाइक वाले रख दिए, अब सैटरडे संडे को तो सभी लोग जा रहे हैं, जो पीक आवर का टाइम होता है आपको सिर्फ उन्हें घुमाना है, इधर से उधर सिर्फ उन्हें घुमाना है। यदि आप उधर इधर से उधर रोड पे घुमाओगे जो आपका यहाँ पे टारगेटेड एरिया है, लोगों को दिखेगा कि ये पांडा बांडा है क्या, बहुत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत अच्छी कंपनी होगी, लोगों के माइंड में इमेजिनेशन में इनडायरेक्टली यहाँ पे एक ऐसा मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बैठ जाएगी कि मुझे यहाँ पे पांडा बांडा से ऑर्डर कराना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पांडा बांडा से एक्चुअल में खरीदनी पड़ेगी, ये फूड प्रोडक्ट है कौन सी,
ये है दोस्तों एक्चुअल में मार्केटिंग। अब आप बात करोगे ये क्या घटिया मार्केटिंग, आपको घटिया लगी दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये सब जुगाड़ू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी जब नई नई शुरू होती है ना, तब उसी हिसाब से काम करती है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पे, कोको कोला जब शुरू हुआ था ना, कोको कोला की इतनी सेल नहीं आ रही, जब इतनी सेल नहीं आ रही थी ना, तब कोको कोला ने क्या किया कि उन्होंने कोको कोला के खाली टिन और खाली कैन यहाँ पे कचरे के डिब्बों में, जहाँ पे भी उनका टारगेट कस्टमर था, टारगेट यहाँ पे कस्टमर जो कि कुछ अलग टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, वहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया। रात को जाके फेंक देते थे। जब कभी सुबह आके देखते थे, लोग देखते थे ये तो कोको कोला ये है क्या, उन्होंने ट्राई नहीं किया था, तो वे ट्राई करेंगे। ये दोस्तों यदि आप रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हो, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए किलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकली जहाँ पे लोगों का अटेंशन जा रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हो थाउजेंड्स ऑफ लोग देख रहे हैं कि डोमिनोज वाला डिलीवरी कर रहा है, जोमेटो स्विगी वाला डिलीवरी कर रहा है, आपको यहाँ पे कैसा यूनिफॉर्म में यूनिक कोड लेकर लोगों को ध्यान जाए कि ये पांडा बांडा है क्या, सभी जगह आपको दिख, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है कि आपने यहाँ पे पैसे देके उन्हें सिर्फ रखा है कि यहाँ पे सिर्फ घूमते रहेंगे। ये दोस्तों पहली क्लाउड किचन के लिए और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई रेस्टोरेंट के लिए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कैफे के लिए। वीडियो यहाँ तक देखने को रहे हो, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मुझे भी पता है। यदि आप कैफे शुरू करना चाहते हो, कैफे का कल्चर भी बहुत अच्छा है। कैफे में दोस्तों कैसे खड़ा हो पाएंगे? कंपटीशन में खड़ा होना ही दोस्तों एक बिजनेस है, वही एक एक्चुअल में मार्केटिंग है। सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे एड्स तो दोस्तों सभी लोग लगा रहे हैं, वहाँ पे पैसे आप नहीं कमाओगे, आप नहीं बनाओगे, लेकिन शायद पैसा बना रहेगा डिजिटल मार्केटिंग वाला। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा ट्रेंड देखना पड़ेगा कैफे में दोस्तों। अभी तक का जो ट्रेंड था यहाँ पे बैठने का, बातचीत करने का कल्चर का, कैफे सारे बहुत सारे बन गए। अब ये बातचीत का और यहाँ पे गॉसिप करने का, हैंगआउट करने का, ये दोस्तों ट्रेंड पुराना हो चुका है। नया ट्रेंड क्या आ चुका है? आज सभी को दोस्तों रील्स बनानी है, आज सभी को यहाँ पे वीडियोस बनाने हैं। आप यदि कोई कैफे बना रहे हो, आपने दोस्तों कैफे बनाने के साथ एक छोटी सी ऐसी प्लेस बना दी, स्पेस बना दी, जहाँ पे लोग आके इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना सके, जहाँ पे यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर सके, आपको पता है कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे एक अच्छी खासी आपका पॉइंट स्टैंड आउट हो गया? क्योंकि यहाँ पे Tier 3 city हो या फिर Tier 2 city हो, अभी भी लोग शाय हो रहे हैं, लोगों को अभी भी डर लग रहा है, लोगों को अभी हिचकिचाहट होती है, उन्हें भी रील्स बनानी है, उन्हें भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाना है, लेकिन उन्हें डर लगता है, उनके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। घर में तो ऐसा एनवायरनमेंट है, लेकिन आसपास भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। जब कभी कैमरा लेकर ऐसे आप कभी जाओ बीच सड़क, लोग देखेंगे, लोग ऐसे घूमने लगे, एनवायरनमेंट नहीं है। आपने दोस्तों क्या किया, जो है चाय सूटा बार, एमबीए चाय वाला, जितने भी कैफे है क्या कर रहे हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया था हैंगआउट के लिए। आप दोस्तों एक ना अपना पहला कैफे यदि लॉन्च कर दो, यदि आप इंस्टाग्राम कैफे नाम से कुछ भी नाम रख दो दोस्तों, इंस्टा यू, इंस्टा वी, इंस्टा ये वो, यदि आपने कोई ऐसा कैफे लॉन्च किया, चाय कॉफी कुछ भी रख दो, लेकिन यदि आपने एनवायरनमेंट बिल्ड किया कि वहाँ पे जाके इंस्टा बिस्टा पे जाके यदि लोग अच्छी तरह से रील्स शूट कर पा रहे हैं, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट बन गया है वीडियो शूट करने के लिए, क्रिएटर के लिए। आपको यहाँ पे यदि स्टार्टिंग में आपने कुछ भी प्राइस लगा कि आपने कॉफ़ी का प्राइस दोस्तों दूसरे कंपटीटर से 20 40 60 रुपये ज़्यादा रख दिया, चाय का प्राइस ज़्यादा लग गया, लोग चाय पीने के लिए नहीं आएंगे, लोग आएंगे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंस्टाग्राम के थ्रू इन्फ्लुएंसर करोड़ों कमा रहे हैं, तो वे भी एक चांस लेना चाहता है यूट्यूब में आने के थ्रू एक चांस लेना चाहता है। यदि आपने ऐसी एक स्पेस दे दी, सिर्फ एक रूम के थ्रू आपने एक स्पेस दे दी, वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसा फ्रेंडली क्रिएट कर दिया, लोग आएंगे आपके सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्ट के लिए नहीं, आपके बाय प्रोडक्ट के लिए। फिर उन्हें दोस्तों कितने लेवल पे फ्रेंचाइजी के थ्रू सेल कर सकते हैं आप जानते ही हैं, हमारे सामने एग्जांपल भी है कि कैसे फ्रेंचाइजी को बढ़ाई जाता है। यह दोस्तों एक्चुअल में सही मायने में मार्केटिंग। आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो। रितेश मलिक को जानते हो? नहीं जानते, पहले डॉक्टर थे, उनको भी एक केस स्टडी में लेके आने वाला हूँ। उनका दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का प्लान रहता है। उनका यहाँ पे कोवर्किंग में स्टार्टअप है, 250 करोड़ में बेच दिया स्टार्टअप। वे क्या करते थे पता है? वे कभी भी यहाँ पे उनका एक्चुअल में बिजनेस है दोस्तों रियल एस्टेट बाय करना। जब रियल एस्टेट को लीज करते वे कहाँ पे रियल एस्टेट लीज करते थे पता है? स्टारबक्स जहाँ पे होती है ना उनके 5 किलोमीटर के राउंड में लीज कर देते हैं अपने रियल एस्टेट के कोवर्किंग को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके उन्होंने एक जुगाड़ू दिमाग लगाया कि जहाँ पे भी स्टारबक्स वाले होते हैं ना वहाँ पे स्टारबक्स की ब्रांच क्लोज होने का 99.99% चांस है ही नहीं, क्योंकि 300 लोग काम कर रहे हैं कि कौन सी सही जगह है पूरे शहर में स्टारबक्स ओपन करने के लिए। सबसे ज़्यादा फुटफॉल होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, वो लोगों की कंफर्टेबल सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे इनोवेट वाले अपना कोवर्किंग ओपन कर देते हैं 5 किलोमीटर के एरिया में। ये दोस्तों एक्चुअल में मार्केटिंग टेक्निक्स जो यहाँ पे आपको अप्लाई करनी चाहिए, और आप फ्यूचर में इस तरह से जुगाड़ू मार्केटिंग टेक्निक अप्लाई करके यहाँ पे अपने बिजनेस में स्टैंड आउट कर सकते हो। आज सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू, ये एक एवरेज हो चुका है। नया दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल बताया है, आपको यदि वीडियो से वैल्यू मिली है, आपको योर बिजनेस के लिए ऐसी मार्केटिंग जानना चाहता तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो से यदि दोस्तों आपको एक्चुअल में रियल में कंक्लूजन मिलता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मतलब तभी पता चलता है कि आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो। डॉक्टर विवेक मित्रा जी की मुझे वीडियो एंडिंग की स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, बारी बारी से वीडियो में आने के लिए
हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।